एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस फॉर यूट्यूब चैनल पे। सो गाइस, आज का हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है दुर्गा पूजा, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में, यानी इंटेंजिबल कल्चर एलिमेंट के फॉर्म में इसको शामिल किया जा चुका है। सो इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सुरक्षा हेतु अंतर सरकारी समिति द्वारा मानवता की सांस्कृतिक विरासत यानी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ यूनिटी ह्यूमिनिटी की प्रतिनिधि सूची में कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा को शामिल किया गया है। तो वहाँ पे क्वेश्चंस में आ सकता है कि कहाँ की दुर्गा पूजा को शामिल किया गया, तो कोलकाता में होने वाली दुर्गा पूजा को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। अब तक कुल मिलाकर 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों यानी इंटेंजिबल कल्चर ह्यूमिनिटी एलिमेंट को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया जा चुका है। अभी तक दुर्गा पूजा को मिलाकर 14 हो गए, इसके पहले 13 थे। ठीक है, उन 14 में क्या क्या है? सो लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज इन इंडिया, ठीक है, रिकॉग्नाइज बाई यूनेस्को, ये यूनेस्को की लिस्ट है जिसमें कि भारत के 14 इंटेंजिबल कल्चर को शामिल किया गया है। सो जिसमें से आप देख सकते हैं कि बुद्धिज्म चैंटिंग है, ठीक है, कुडियाट्टम है, छाउ डांस है, कुंभ मेला है। सो ये टोटल जस्ट वेट ये टोटल संख्या 14 है। ठीक है, सो आप इसको प्लीज देख लेना। ठीक है, मैं समय कम से कम वीडियो में लगे इसके लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आप प्लीज इसको देख लेना। टोटल 13 है और दुर्गा पूजा को मिलाकर ये जो 14 नंबर है ये है दुर्गा पूजा का। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे 13 लिस्ट है, इसको देख लेना। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में क्या है? यूनेस्को के अनुसार अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में परंपराओं अथवा हमारे पूर्वजों से विरासत में मिली जीती जागती अभिव्यक्तियों जैसे कि मौखिक परंपराएं, प्रदर्शन कला, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान, त्यौहार, उत्सव, प्रकृति, ब्रह्मांड से संबंधित प्रथाएं अथवा ज्ञान और पारंपरिक शिल्प संबंधी कौशल को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सो इन आधारों पे यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में इनको इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, यूनेस्को द्वारा विश्व में महत्वपूर्ण अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर विरासतों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनके महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने उद्देश्य से अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची का गठन किया गया है। इनको प्रमोट किया जा सके, किया जा सके, इनकी संस्कृति को जिंदा किया जा चुके किया जा सके, जिसके कारण से इनको लिस्ट में लाया जाता है। ठीक है, जस्ट वेट, यस, यह सूची 2008 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सुरक्षा अभिशमय 2003 यानी 2003 कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी गार्डिंग ऑफ द इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के प्रभावी होने पर निर्मित किया गया था। ठीक है, सो ये जो सूची है, ठीक है, यह 2008 से जारी की गई है। ठीक है, वर्ष 2010 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो सूचियों को संकलन किया जा रहा है। पहला क्या है? मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की लंबी प्रतिनिधि सूची, ठीक है, में सांस्कृतिक प्रथाएं अभिव्यक्तियां शामिल की जाती हैं जो इस विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करती हैं। सेकेंड क्या है? तत्काल सुरक्षा की आवश्यकता वाली अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की छोटी सूची, इन में उन सांस्कृतिक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें संबंधित समुदाय और देश प्रचलित रखने जीवित रखने के लिए तत्काल उपाय किए जाने की आवश्यकता समझते हैं। ठीक है, सो गाइज, ये रहा आज का पॉइंट, ये याद रखना, क्वेश्चंस में भी बनेगा। ठीक है, तो दुर्गा पूजा को भी यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया जा चुका है। अब टोटल भारत में 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वें हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।